श्री कृष्णा धारावाहिक का एक किरदार इन दिनों काफी चर्चा में है। ये किरदार है श्री कृष्णा की बहन सुभद्रा। सुभद्रा का किरदार एक्ट्रेस सोनिया कपूर ने निभाया है। रियल लाइफ में सोनिया के पति बॉलीवुड के जाने माने सिंगर हैं। आइए जानते हैं सोनिया कपूर जी के बारे में कुछ खास बातें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका लेखक की लेखनी में। वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब पर क्लिक कर घंटी का बटन दबाना ना भूलें। रामानंद सागर जी के धारावाहिक श्री कृष्णा में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का किरदार निभाया था सोनिया कपूर जी ने। इसके अलावा धार्मिक धारावाहिक जय गणेश में लक्ष्मी जी, सीता जी और जय हनुमान धारावाहिक में रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार भी निभा चुकी हैं। सोनिया कपूर जी का जन्म 12 जनवरी 1980 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी शिक्षा सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से पूरी हुई। इनके अभिनय करियर की शुरुआत श्री कृष्णा धारावाहिक से हुई। इनका किरदार कुछ समय के लिए ही था, इस कारण से इन पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसके बाद वर्ष 1997 में संजय खान जी के धारावाहिक जय हनुमान में सोनिया जी ने रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाया था। उस समय भी किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन वर्ष 1999 में आए सोनी टीवी के धारावाहिक हिना में नमीरा के किरदार से उनकी पहचान बनी। ये किरदार काफी प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद वो लगातार अपने अभिनय के दम पर विभिन्न धारावाहिकों और फिल्मों में नजर आई। सोनिया कपूर जी ने पिया का घर, कभी कभी, कुसुम, कभी हाँ कभी ना, जुगनी चली जलंधर, परिवार, संजीवनी, माँ शक्ति, बाबुल की दुआएं लेती जा, कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन, कैसा ये प्यार है, कहीं तो होगा, किटी पार्टी, आ गले लग जा, जय गणेश, जय हनुमान और हिना जैसे हिट सीरियल में काम कर चुकी हैं। सोनिया कपूर जी की बॉलीवुड की पहली फिल्म फरेब थी। इसके बाद इन्होंने ऑफिसर, सत्ता और कार्बन जैसी फिल्मों में काम किया। सोनिया कपूर जी के निजी जीवन की बात करें तो सोनिया जी बॉलीवुड के फेमस सिंगर हिमेश रेशमिया के साथ वर्ष 2006 से रिलेशन में थी। हिमेश ने सोनिया कपूर के साथ 11 मई 2018 को शादी की थी। अचानक से मिली दोनों की शादी की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया था। हिमेश और सोनिया ने प्राइवेट सेरेमनी की थी। इस शादी में केवल क्लोज फ्रेंड और परिवार वाले शामिल हुए। शादी के बाद दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में दोनों की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया था। यह हिमेश की दूसरी शादी है। हिमेश ने अपनी पहली पत्नी कोमल से शादी के 22 साल बाद 2017 में तलाक ले लिया था। फिलहाल वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं। आखिरी बार वो फिल्म 2017 में आई कार्बन में दिखी थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।